हाय एवरीवन, सो मैं लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग जब चालू किया था तभी फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकिलिंग सनग्लासेस, बिकॉज वो आपको धूप से नहीं बचाते बट ऑल्सो धूल मिट्टी जो रोड पे उड़ती है, कोई पत्थर अचानक से आपके फेस के ऊपर आया, तो इन सभी चीज़ों से भी साइकिलिंग सनग्लासेस हेल्प्स यू। बट वो टाइम पे फर्स्ट टाइम आई बॉट डिकैथलॉन के सनग्लासेस जो 400 रुपीज़ वाले आते हैं, वो अच्छे हैं बट उनका एक प्रॉब्लम मुझे ये लगा कि जब भी उनको यूज़ करता था तभी आई हैड टू रिमूव माई ग्लासेस एंड यूज़ इट। सो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वो ठीक है बट बहुत टाइम तक अगर यूज़ करना है तो इट्स नॉट एडवाइसेबल टू नॉट यूज़ योर स्पेक्स, एंड स्पेशली जिनका नंबर ज़्यादा है तो डेफिनेटली कांट रिमूव योर स्पेक्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सो आई वॉन्टेड सोल्यूशन टू दिस, सो तभी मुझे एनली के साइकिलिंग सनग्लासेस के बारे में पता चला। सो ये सनग्लासेस में क्या है कि एक फ्रेम आता है जिसमें आप आपके चश्मे का लेंस डाल सकते हो, सो इट्स गुड वैसे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट द रिव्यू ऑफ दिस एनली साइकिलिंग सनग्लासेस। सो हम लोग कवर करेंगे किसका अनबॉक्सिंग, क्या क्या आता है, हाउ इज़ इट टू यूज़, देन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ इट, सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सनग्लासेस, एंड फाइनली कंक्लूजन, शुड यू बाय इट और नॉट। सो लेट्स गो। सो ये एनली के साइकिलिंग सनग्लासेस इस तरह के बॉक्स में आते हैं, तो मैंने इनको टीम साइक्लिक से लिए है जो इंस्टाग्राम पे एक पेज है। सो मैं डायरेक्टली वेदांत का नंबर दे दूंगा, आप उनको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करोगे एंड यू कैन टेल माय नेम, यू कैन डायरेक्टली ऑर्डर फ्रॉम हिम। सो व्हाट ऑल कम्स इन द बॉक्स, सो कैरी पाउच है, उसमें क्लियर लेंस आता है, उसके बाद एक्चुअल सनग्लासेस एंड एक कैरी करने का सॉफ्ट पाउच, एंड फाइनली एक और स्ट्रैप आता है फॉर द पाउच। तो अलग अलग ऑप्शन, कलर ऑप्शंस में आते हैं, मेरा ग्रीन है तो ब्लू रेड ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो ये साइकिलिंग सनग्लासेस, इनके साथ एक और फ्रेम भी आता है, जिनको नंबर वाला चश्मा है उनके लिए है, यहाँ पे आप अपना कांच लगा सकते हो एंड ये इस तरह से फिट हो जाता है इसके अंदर। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट हाउ इज़ इट टू यूज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट ये पोलराइज नहीं है, दिस इज़ UV 400 का प्रोटेक्शन दिया है इसमें। सो मैंने इनको लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स में यूज़ किया है काफ़ी, एंड इट इज़ गुड, इट डज द जॉब। आपको धूप में डेफिनेटली कम्फर्ट फील होगा आपके आईज में, एंड धूल मिट्टी से डेफिनेटली इट विल प्रोटेक्ट बिकॉज ये पूरे आपको आईज को कवर करता है। एंड यहाँ पर जो ऊपर आप वेंट्स देख सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू कीप द वेंटिलेशन गोइंग एंड कीप योर आईज कूल एंड सेफ। थर्ड पॉइंट इज़ हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि यहाँ पे जो लेंस है उसके ऊपर मर्क्यूरी का कोटिंग है, तो जब भी आप इसको कहीं पे भी रखोगे, टेबल स्टूल पे, तो ऑलवेज ट्राई टू कीप इट लाइक दिस, क्योंकि अगर आप ऐसे रखोगे तो मर्क्यूरी कोटिंग इसका डैमेज हो सकता है एंड देन विल नॉट बी दैट यूजफुल। देन आफ्टर एवरी राइड क्लीन इट प्रॉपरली, बिकॉज स्वेट होगा, डर्ट होगा, तो उससे आपके जो स्क्रूज है यहाँ पे दैट कैन गेट रस्टेड, जो लोग भी चश्मा यूज़ करते हैं उनको पता होगा। एंड फाइनली जब आप इसको कभी भी स्टोर करोगे तो ऑलवेज कीप इट इन द बॉक्स, एंड बॉक्स में भी अच्छे से इसके लेंस को माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ऐसा कवर करके ही रखो, बिकॉज अगेन वो मर्क्यूरी कोटिंग डैमेज नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, लोगों के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि सनग्लासेस को यूज़ करते वक्त। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अगर आपका फेस बहुत ही पतला है देन प्रोबेबली आपको ये सनग्लासेस थोड़े से बड़े लग सकते हैं, बट मेरे जो साइकिलिंग फ्रेंड्स है वो ये सनग्लासेस जो यूज़ कर रहे हैं वो बोलते हैं कि सनग्लासेस शुड बी बिग ओनली, ताकि वो आपके फेस को अच्छी तरह से कवर कर सके एंड वी प्रोटेक्ट इट बेटर। नेक्स्ट थिंग इज़ जब भी आप इसको कैरी करोगे तो मोस्ट कॉमन वे टू कैरी इट इज़ लाइक दिस, बिकॉज आप पूरा बॉक्स तो कैरी नहीं कर सकते। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप साइकिलिंग करोगे तब आपका स्वेट की वजह से पूरा यहाँ पे स्मरेज आ जाते हैं, तो उसको वापस आपको साफ़ करना पड़ता है। सो अनदर ऑप्शन इज़ यू कैन, अगर आपका हेलमेट है, हेलमेट में अगर जा रहा है तो यू कैन कीप इट इन हेलमेट लाइक दिस, और आपके पीछे भी आप लगा सकते हो। सो या दिस इज़ हाउ यू कैन कैरी। नेक्स्ट है कि अगर आप बारिश में चला रहे हो या फॉगी वेदर में चला रहे हो तभी ये लेंस में अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो यू कैन ऑलवेज चेंज टू क्लियर लेंसेस, सो डेफिनेटली उससे कुछ आपको प्रॉब्लम होने नहीं वाला। फाइनली जब आपको इसका लेंस चेंज करना होगा डे एंड नाइट कंडीशंस के हिसाब से, तभी फर्स्ट फ्यू टाइम्स के लिए आपको लग सकता है कि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू चेंज द लेंसेज, बिकॉज बहुत टाइट है एंड बहुत केयरफुल रहना पड़ रहा है। बट लेट मी टेल यू, फर्स्ट 2-3 times ही वो लगता है वैसे, बाद में यू गेट यूज टू इट एंड फटाफट लेंस चेंज हो जाता है, सो नो प्रॉब्लम देयर। सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग सकता है बट सह लेंगे थोड़ा सा। सो फाइनली शुड यू बाय दिस और नॉट, सो आई वुड से यस यू कैन बाय इट। इसका प्राइस है 2,300 रुपीज़,
अगर आप फर्स्ट टाइम सनग्लासेस ले रहे हो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है, बट कंपेयर टू इसका अल्टरनेटिव, अगर आपको स्पेक्स है और आपको सनग्लासेस लेने हैं, तो अनदर ऑप्शन क्या आता है कि पूरा जो लेंस है वही नंबर वाला होता है, बट उसका रेंज ओनली स्टार्ट फ्रॉम 3,000-3,500. सो कंपेयर टू दैट डेफिनेटली अफोर्डेबल है एंड इट डज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग योर आइज. सो या फाइनली, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन नाउ फॉर मोर साइकिलिंग रिलेटेड वीडियोज. एंड अगर आपका साइकिलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज DM मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने का डेफिनेटली ट्राई करूँगा. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट साइकिलिंग वीडियो.